कर लिया। आज आप वेट करो एस टी एफ साहब डाइए के सामने जवाब दो पहले लेट होने का कारण बताओ। एस टी एफ साहब आपका दो घंटे से फोन पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान लापरवाही आई सामने। जी हां एसडीएम करते रहे फोन, ड्यूटी पर तैनात ग्राम सचिव नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल, ढाई घंटे लेट पहुंचे तो ग्राम सचिव को ग्रामीणों ने सुनाई जमकर खरी खोटी। ग्रामीण बोले ग्राम सचिव मना रहा है भैया दूज। देरी से पहुंचे ग्राम सचिव बोले गाँव में गया था मौके पर। एसडीएम बोले करेंगे कार्रवाई। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नहीं, हमारे पास ही कंडीशन लगा सकते हो, आपके ऊपर कोई कंडीशन क्या नाम है आपका? आपके ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं है। क्या नाम है? देने लग रहा हूं सर। क्या नाम है आपका? एस टी एफ साहब ढाई घंटे से आपको वोट पत्रकार के सामने जवाब दो पहले, लेट होने का कारण बताओ प्लीज। एस टी एफ साहब आपको दो घंटे से फोन कर रहे हैं, आप कहाँ गए थे? सर मैं मौका देने नए गांव में मौका देने के लिए गया था। कोई बात नहीं। एस टी एफ साहब कह रहे कि आप भैया दूज बना रहे थे। अरे बाप रे, कोई बात नहीं। जी हाँ, गढ़ी बोलनी रोड स्थित रेवाड़ी खंड कार्यालय में पंचायत समिति नामांकन प्रक्रिया के बीच एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेवाड़ी खंड कार्यालय में ग्रामीण चूल्हा टैक्स की पर्ची कटवाने के लिए दफ्तर पहुंचे थे लेकिन ग्राम सचिव नदारद थे। जी हाँ, सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक करीब ढाई घंटे तक ग्रामीण ग्राम सचिव का इंतजार करते रहे लेकिन ग्राम सचिव नहीं पहुंचे। और फिर रेवाड़ी खंड कार्यालय में ही मौजूद रेवाड़ी एसडीएम होशियार सिंह को भी ग्रामीणों ने शिकायत दी। एसडीएम की ओर से भी लगातार ग्राम सचिव को फोन किया गया लेकिन महज 5 मिनट का आश्वासन मिलता रहा। करीब ढाई घंटे की देरी के बाद जब ग्राम सचिव कार्यालय पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ग्राम सचिव को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं जब ग्राम सचिव से देरी का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गाँव में ही मौके पर गया था। और दूसरी ओर जब रेवाड़ी एसडीएम होशियार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है जी आपका? अरविंद कुमार। कौन से गांव से आए आप? मैं रामगढ़ भगवानपुर से। क्या समस्या है आप चूल्हा जिस तरह से मैं चूल्हा टैक्स की पर्ची के लिए 9 बजे से लेकर 11:30 बज गए वेट कर रहा हूँ, अभी तक पर्ची काटने वाले अवेलेबल नहीं हुआ। कौन है आपका सेक्रेटरी? रोहित सर है। तो आपने बात की होगी उससे? बात की थी कि भैया दोज मना रहे हैं। अभी आपने एसडीएम साहब भी बैठे उनको शिकायत की? भी मैंने शिकायत की थी, एसडीएम 3 बार कॉल कर चुके हैं। तो उनको क्या आश्वासन मिला? अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, कहते कहते ना कम से कम 2 घंटे निकले। आज नामांकन का सेकंड लास्ट डे है। सेकंड लास्ट डे है तो ऐसे में तो स्थिति बिगड़ सकती है। बिगड़ सकती है, बीच में छुट्टियाँ कई हो गई। क्या नाम है जी आपका? सतीश शर्मा। कहाँ से आए आप? रामगढ़ से। क्या लेना था आपको? सर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ पहले तो। ये ठीक है, इससे आगा की चूल्हा टैक्स की रसीद चाहिए। तो आप कब से वेट कर रहे हैं? सर 2 घंटा हो गए, इस भाई के साथ था मैं, एसडीएम साहब से के पास गए, बोले अभी बुला रहा हूँ। एसडीएम साहब 5-5 मिनट का आश्वासन दे रहे हैं लेकिन जब अधिकारी कहने से नहीं आ रहे तुम्हारे फोन से कौन आएगा ये बताओ। नामांकन का समय 9 से 3 बजे तक होता है, ऐसे में टाइम भी कहीं ना कहीं। सर ऐसा ही जैसे बिजली बोर्ड में जाना है, कहीं बैंक में जाना है, वो काफी डिले हो जाएंगे। मेन चीज ये है जब प्रशासन के कहने से बाहर है तो हमारी समझ से तो बाहर है।